दोस्तों, क्या आप लोगों को बजट प्राइस रेंज में एक अच्छा सा स्मार्टफोन बाय करना है जिसमें आपका बजट 5000 रुपये तक का है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पांच ऐसे ही बेस्ट 4G वेल्टी स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि आपको 5000 रुपये के प्राइस रेंज में अच्छे स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर के साथ मिलेंगे। सभी फ़ोन को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है कोई भी स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। पांचवें नंबर पे आता है Redmi Go स्मार्टफोन, जो कि आपको 1GB रैम 16GB रोम वेरिएंट के साथ 4500 रुपए के प्राइस रेंज में मिलेगा। Redmi Go में आपको स्लिक डिजाइन के साथ 5 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है। 1.4 GHz में क्वाड कोर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया गया है Android Oreo के साथ। फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का रेयर तो 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है फेस ब्यूटिफिकेशन मोड के साथ। 3000 mAh की बैटरी के साथ आपको इसमें 4G वोल्टी का फीचर भी मिलता है। फोर्थ नंबर पे आता है मीजू C9 Pro, जो कि आपको 3GB रैम 32GB रोम वेरियंट के साथ 4500 रुपीज़ के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। मीजू C9 Pro में आपको स्लिम डिज़ाइन के साथ 5.45 इंच का HD+ फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। 1.3 GHz में क्वाड कोर का प्रोसेसर दिया गया है Android Oreo के साथ। फ़ोन में आपको 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा तो 13 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा मिलता है फेस ब्यूटिफिकेशन मोड के साथ। 3000 mAh की बैटरी के साथ फ़ोन में आपको 4G वेल्टी का फीचर भी मिलता है। तीसरे नंबर पे आता है इन्फिनिक्स कंपनी का स्मार्ट 2 स्मार्टफोन, जो कि आपको 3GB रैम 32GB रोम वेरिएंट के साथ 4500 रुपीज़ के प्राइस रेंज में मिलेगा। इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 में आपको स्लिक डिज़ाइन के साथ 5.45 इंच का HD+ फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। इसमें आपको 1.5 GHz में क्वाड कोर मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया गया है Android Oreo के साथ। इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 में आपको 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलता है PDF HDR ब्यूटिफिकेशन मोड के साथ, तो 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है बुके और ड्यूल LED फ्लैश के साथ। फ़ोन में आपको 3050 mAh की बैटरी के साथ ड्यूल 4G वेल्टी का फीचर भी मिलता है। सेकेंड नंबर पे आता है माइक्रोमैक्स कंपनी का US स्मार्टफोन, जो कि आपको 2GB रैम 16GB रोम वेरिएंट के साथ 5000 रुपये के प्राइस रेंज में मिलेगा। माइक्रोमैक्स US स्मार्टफोन में आपको स्लिक डिज़ाइन के साथ 5.45 इंच का HD+ फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। 1.5 GHz में क्वाड कोर मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया गया है Android Oreo के साथ। फ़ोन में आपको 13 मेगापिक्सल का रेयर तो 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ, तो 4000 mAh की बैटरी के साथ फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और 4G LTE का फीचर भी मिलता है। दोस्तों, मेरे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है Xiaomi कंपनी के तरफ से Redmi 7A स्मार्टफोन, जिसके 2GB रैम 16GB रोम वाला वेरियंट आपको 5000 रुपये के प्राइस रेंज में मिलेगा। Redmi 7A में आपको स्प्लैश प्रूफ और अच्छे डिज़ाइन के साथ 5.45 इंच का HD+ फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। फ़ोन में आपको 2GHz पे ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन का 439 का प्रोसेसर दिया गया, जो कि इस बजट में एक डिसेंट प्रोसेसर है। इसके साथ ही फ़ोन में आपको एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। Redmi 7A में आपको 12 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर के साथ रेयर कैमरा मिलता है PDF के साथ, तो 5 मेगापिक्सल का AI फ्रंट कैमरा दिया गया है फेस ब्यूटिफिकेशन मोड के साथ। फ़ोन में आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 4G LTE का फीचर और फेस अनलॉक का फीचर भी दिया गया है। तो दोस्तों, मेरी लिस्ट के बताए हुए ये पांच स्मार्टफोन आपको कैसे लगे, आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन रहेगा या फिर मैं कोई स्मार्टफोन भूल गया हो तो उसका सजेशन भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन सभी स्मार्टफोन को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से एक एक क्लिक करके आप कोई भी स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूले, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ADTech को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।